मोक्ष मार्गस्य नितारम् भेतारम् कर्मेभुव्रताम् ज्ञातारम् बेश्वतत्वानाम् वंदेत दुगुनेलाभ्ये सूत नंबर एक चल रहा था जिसमें देखा था चार प्रकार के देव होते हैं और उनका भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष वैमानिक देवों में किस प्रकार से विभाग होता है इसके बारे में देख रहे थे हम सर्वप्रथम पहले एक बार पुनः उस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं और फिर इसको आगे सूत्र को समझते हैं चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर वन चतुर चतुरनिकाय देवाश शातक पढ़ेंगे देवाश चतुर नीचे ले आएंगे चतुरनिकायहा ये बहुवचन है ठीक है ना प्रथमा का बहुवचन बाल का बालकाह बालकाहा तो इस प्रकार निकायहा अब देखिए इसके अपन संधि करते हैं तो सा का विसर्ग हो जाएगा देवा क्या निकलेगा देवा और रा नीचे उतर जाएगा तो रा का विसर्ग हो जाएगा चतु देवा चतु और ये निकाया जो ना है ना का ना हो गया था इस प्रकार से यह है तो यहाँ पर निकल गया निकायहा ठीक है ना देवहा चतुहु निकायहा क्या अर्थ निकला यहाँ पर देवहा जो देव हैं यहाँ भी बहुवचन है क्योंकि एक देव की बात हो नहीं रही है समस्त देवों की बात हो रही है देवहा देवहु देवहा तो देवहा देव चतुहु चार प्रकार के निकाय मतलब समूह निकाय का अर्थ क्या होता है समूह जो देव हैं चार प्रकार के समूह वाले होते हैं क्या अर्थ निकल के आया जो देव हैं वो चार समूह वाले होते हैं ये इसका अर्थ है बहुत सरल अर्थ है और बहुत सुगम अर्थ है चार प्रकार के देवों में भवनवासी वैंतर और ज्योतिष वैमानिक देव थे उनमें से अपन भवनवासी देव का निवास देखते हैं यहाँ स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा भवनवासी देव का निवास कहाँ पर होता है तो लिखा है अधोलोक और मध्यलोक अधोलोक के नीचे लिखा हुआ है अशुर कुमार और उसके नीचे लिखा है रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में देखिए जो ये जमीन है रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके अपन तीन भाग करते हैं तो ऊपर के जो दो भाग हैं जो खर भाग और पंख भाग तो ये दो भेद हो जाते हैं और भवनवासी जो देव हैं वो दस प्रकार के होते हैं तो एक प्रकार का जो देव असुर कुमार है वो पंख भाग में उसका जन्म वहाँ पर होता है वहाँ के भवन में रहता है और जो शेष नौ बसते हैं वो रत्न प्रभा के खर भाग में वो वहाँ पर निवास करते हैं, उनके वहाँ पर भवन होते हैं इसलिए यहाँ पर देखो लिखा है अधो लोक में दो एरो बने हुए हैं एक असुर कुमार देव और दूसरा बना हुआ है शेष नौ प्रकार के भवनवासी देव और असुर कुमार के नीचे लिखा हुआ है पंख भाग रत्न प्रभा के पंख भाग में और जो नौ प्रकार के जो शेष हैं उसके नीचे बना हुआ है रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में इस प्रकार से ये जो पृथ्वी जहाँ पर रह रहे हैं इसके जो नीचे ये जो चित्रा पृथ्वी है वो रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का पार्ट चित्रा पृथ्वी है इसके नीचे जो खर भाग पंख भाग है वहाँ पर भवनवासी के भवन बने हुए हैं और वहाँ पर ये देव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर रहते हैं यदि ये देव मध्यलोक में आते हैं तो मध्यलोक में और कहाँ रहते हैं तो मध्यलोक में देखिए ये जो अशुर कुमार है ये भवनों में रहते हैं कहाँ रहते हैं भवनों में और शेष नौ प्रकार के जो भवनवासी देव हैं मध्यलोक में वो भवन भवनपुर और आवासों में कहाँ पर भवन भवनपुर और आवास अब ये भवन भवनपुर और आवास क्या है तो इसके लिए भी आप देखिए यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है तीन प्रकार के निवास स्थान होते हैं निवास स्थान जितने हैं तीन प्रकार के होते हैं भवन भवनपुर और आवास रत्न प्रभाव पृथ्वी में जो भवन है रत्न प्रभाव पृथ्वी में जो भवन बने हुए हैं उसे अपन कहेंगे भवन जैसे खर भाग में और पंख भाग में जो भवन बने हुए हैं हम उसे कहेंगे भवन ठीक है जहाँ भवनवासियों का स्थान है जन्म है और भवनपुर कैसे कहेंगे दीप और समुद्रों में के ऊपर बने हुए जो भवनपुर हैं उन्हें भवनपुर कहेंगे ठीक है ना असंख्यात दीप असंख्यात समुद्र हैं कहाँ पर इस मध्य लोक में और उस मध्य लोक में असंख्यात दीप समुद्र हैं उसमें भवनपुर बने हुए मतलब पुर मतलब होता है नगर भवन के नगर बने हुए हैं और वहाँ पर ये भवनवासी देव जो हैं वहाँ रहते हैं कौन से शेष नौ प्रकार के जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं और आवास एक है आवास तो मध्य लोक में रमणीय स्थान जो हैं जैसे बहुत सुंदर स्थान है जैसे मान लो अपन मान लो शिमला है कश्मीर है ये रमणीय स्थान हैं तो ऐसे रमणीय स्थान या तालाब या पर्वत या वृक्ष आदि ऐसे स्थानों पर भी कौन रहते हैं भवन वाशी देव रहते हैं तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि वो अधोलोक में रहें तो खरभाग और पंग भाग में और मध्यलोक में रहें तो वो असंख्या दीप और जो समुद्र है उसमें भवनपुर में रहें और अथवा जो उन्हें बहुत सुंदर स्थान लगते हैं रमणीय स्थान लगते हैं जैसे पर्वत है सरोवर है तालाब है वृक्ष आदि हैं तो जो भी बहुत सुंदर स्थान हो, वहाँ पर वो रह सकते हैं तो इस प्रकार से भवनवासी देवों का अपन ने देखा कि वो दो स्थान हैं अधोलोक और मध्यलोक वेंतर देव का निवास यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में वेंतर देव का निवास इनका भी दो स्थान अधोलोक और मध्यलोक अधोलोक में भाई खरभाग और पंख भाग देखिए व्यंतर जाति के जो देव हैं वो आठ प्रकार के होते हैं किन्नर यक्ष राक्षस भूत पिसाच आदि इस प्रकार से आठ प्रकार के जो हैं ये व्यंतर जाति के देव होते हैं उनमें से एक जो राक्षस जाति का जो देव है वो रत्न प्रभा पृथ्वी का जो पंख भाग है जहाँ पर भवनवासी का असुर कुमार रह रहा था वहीं पर ये जो राक्षस जाति का जो देव है व्यंतर का वो वहाँ पर रहता है शेष जो सात प्रकार के भवनवासी बचे वो रत्न प्रभा का जो पंख भा खर भाग है उस खर भाग में वो सात प्रकार के शेष जो हैं बेंतर जाति के देव रहते हैं इस प्रकार से ये क्या हुआ अधोलोक में व्यंतर देवों का निवास हुआ यदि वो लोक में आते हैं तो मध्य लोक में कहाँ पर रहेंगे तो भवन भवनपुर और आवासों में यहाँ लिखा हुआ है आपके आप डायरी में नोट भी कर सकते हैं तो चित्रा पृथ्वी पर जो दीप पर्वत समुद्र देश आदि हैं उनमें आकर के व्यंतर आदि रह सकते हैं ये चित्रा पृथ्वी है इसमें ही जो ढाई द्वीप में ढाई द्वीप है और भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें भी जाकर के व्यंतर जाति के जो देव हैं उसमें निवास कर सकते हैं वो भवन पूर्वी में निवास कर सकते हैं उनके भी आवास आदि बन जाते हैं इस प्रकार से अपन देखते हैं वैंतर जाति के जो देव हैं पूरे इसे लोक में कहीं भी विचरण कर सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं शून्य ग्यारह स्थान हो दीप हो समुद्र हो तालाब हो वृक्ष हो आदि अनेक स्थानों पर वो व्यन्तर जाति के देव जो हैं उनका अपना निवास मध्य लोक में बनता है जोशी जो देव हैं उनका निवास स्थान तो यहाँ लिखा हुआ है उनका निवास स्थान सिर्फ लोक में ही होता है कहाँ लोक में ना लोक में और ना ही अधोलोक में मध्य लोक में जोशी देवों का निवास होता है जो ये चित्रा पृथ्वी है जहाँ पर अपन अभी हैं इसको बोलते हैं चित्रा पृथ्वी इससे सात योजन ऊपर जाकर के कितना योजन सात योजन ऊपर जा के और 900 योजन तो सात सौ नब्बे योजन अपन गए और ऊपर जाके कितना और 900 तो कितना हो गया 110 योजन जो बीच का जो शेष स्थान बचा हुआ है उसमें जो है जोशी देवों का निवास स्थान है 790 ज़मीन से ऊपर इसके ऊपर और, और आगे गए तो ये 900 तक पहुंची है तो जम जमीन से लेकर 900 हो गया तो 900 में आप सात छोड़ दीजिए तो बीच का जो स्थान बचा हुआ है इसमें ही क्या बोलते सूर्य सूर चाँद तारे ग्रह आदि जो हैं वो परिक्रमा लगा रहे हुए हैं ढाई द्वीप संबंधी ढाई द्वीप के बाहर जो हैं वो स्थित हैं वो परी लगाते हैं वो एक स्थान पर ही स्थिर रहते हैं तो इस प्रकार से मध्य लोक में जो जोशी देवों का निवास है उस चित्रा पृथ्वी से सात सौ नब्बे योजन ऊपर जाकर के है और कितने ऊपर तक जाकर के है नौ सौ के अंदर ठीक है ना तो इस प्रकार से अपन देखते हैं इनका ऊर्ध् लोक में इनका निवास स्थान नहीं है क्योंकि ऊर्ध् लोक जो है वो कितना ऊपर ऊपर जाकर के है एक लाख चालीस योजन के बाद लोक लगाना है देवों का वैमानिक का ठीक है ना इसलिए अपन उसमें एक लाख चालीस योजन कम कर देते हैं लोक में सात राज्यों में तो अपन देखेंगे कि मध्य लोक में ही जोशी देवों का निवास स्थान है चार प्रकार के देवों में अपन ने भवनवासी का देखा यंत्रों का देखा और जोशी देवों का भी निवास स्थान देखा और अपन यहाँ पर देखते हैं वैमानिक जाति देवों का किस प्रकार से और कहाँ पर इनका निवास स्थान है तो वैमानिक जाति जो देव हैं उनका ऊर्ध लोक में ही क्या है निवास स्थान है सुमेरु पर्वत के एक बाल के अंतर से ऊपर की ओर सारे के सारे वैमानिक देवों का निवास स्थान होता है यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्वधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ कर सरवार सिद्धि विमान तक कहाँ तक सरवार सिद्धि विमान तक ये पटल होते हैं ये फ्लोर होते हैं हर स्वर के अपने फ्लोर होते हैं जब अपन ने अधो लोक में नरकों का वर्णन पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने पटल देखे थे कि पहले नरक में तेरह पटल हैं फिर ग्यारह पटल हैं दूसरे नरक में फिर नौ हैं दो दो कम करते करते ऐसे अपन ने पटल नरक में पड़े थे इसी प्रकार से स्वर्गों में भी पटल होते हैं तो जो सौधर्म स्वर्ग में जो पटल हैं उसमें जो पहला पटल है वहाँ से वहाँ का जो विमान है वहाँ से प्रारंभ होकर के और जो सर्वार सिद्धि जहाँ पर अहमेंद्र देव रहते हैं एक भवतारी देव रहते हैं उनके विमान तक ये सारे के सारे विमानिक देवों के निवास स्थान कहलाते हैं इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर चारों देवों के निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में जानना नमस्ते महाराज जी अभी आपने देवों के निवास स्थान बताए क्या यही देवियों के निवास स्थान भी है चार प्रकार के देव जो बताए हैं वह देव देवियों से संपन्न होते हैं लेकिन सोलह स्वर्ग जो विमान में जो सोलह स्वर्ग आदि देव हैं वहाँ तक ही देवियों का निवास स्थान समझना क्योंकि अहमेंद्र के कोई देवियाँ नहीं होती हैं सोलह स्वर्ग तक ही देवियों का स्थान पाया जाता है भवनवासी में तो देव और देवी सांति हैं वैंतर में भी देव और देवियाँ साथ ही हैं ज्योतिष में भी देव और देवियाँ जो हैं साथ हैं सिर्फ वैमानिक में यह बात ध्यान रखना सोलह स्वर्गों में तक ही देव और देवियाँ साथ हैं सोलह स्वर्गों के बाद देवियों का स्थान नहीं है मात्र देव ही होते हैं और वो पृथ्वी लोक में भी नहीं आते हैं सोलह स्वर तक के देव देवियाँ जो हैं पृथ्वी लोक में आ सकती हैं लेकिन सोलह स्वर्ग के ऊपर जितने भी नवग्रेवक हैं नव अनुदिश हैं पाँच विमान हैं वो सभी देवियों से रहित होते हैं सिर्फ देव ही होते हैं उनका देवों का निवास स्थान होता है सोलह स्वर्ग में भी जो पांचवा जो स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग उस ब्रह्म स्वर्ग में भी जो ब्रह्म के लोकांत ब्रह्म लोक के अंत भाग में जो लोकांतिक देव होते हैं वो भी देवियों से रहित होते हैं तो इस प्रकार से कहाँ देव और कहाँ देवियों का स्थान है यह हमें आगम से और अच्छी तरह से भी जानना चाहिए आचार्य भगवान अब इन देवों में कौन कौन सी लेष्याएं पाई जाती हैं, उन लेष्याओं का वर्णन कर रहे हैं सूत्र नंबर दो चतुर्थ अध्याय का एक बार हम उच्चारण करेंगे पुनः आप लोग उच्चारण करेंगे आदि तस् पितांत पितांतान एक बार पुनः आदि पितांत आदित्रिशुत इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सूत्र का उच्चारण किया अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं चतुर्थ अध्याय सूत्र नंबर दो आदितस त्रिशु पितांत लेश्य आदितस ये शातक लेना त्रिशु पितांत लेष्य ये बहुवचन में है ध्यान रखना संधि करेंगे शाह का बिस्तर हो जाएगा आदित त्रिशु पीत प्लस अंत प्लस लेश्य इस प्रकार से इस सूत्र का संधि विच्छेद है ठीक है ना क्या निकल के अर्थ आ रहा है आदित आदि के त्रिशु मतलब तीन आदि के तीन निकायों में अपन चार निकाय पढ़े थे भवनवासी वैंतर ज्योतिष और बेमाने ये कह रहे हैं त्रिशु ये त्रिशु क्या है सप्तमी का बहुवचन है ठीक है ना तीन निकायों में आदि के तीन निकायों में पीत है जिसके अंत में छह प्रकार की लेष्याएँ होती हैं कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल इनका क्रम जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं पीत है जिसके अंत में तो आप देखिए पीत लेशिया कौन से नंबर में है चौथे नंबर में है कृष्ण नील कापोत और पीत तो पीत अंत पीत है जिसके अंत में ऐसी मतलब चौथी लेशिया चार लेशिया हैं यहाँ लिखा लेशिया हैं लेशियाओं का वर्णन मैंने आपको तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में बताया था छह प्रकार की लेशाओं के बारे में जो हमारे मन वचन काय जो हैं जो राग कषाय से जो रंग जाते हैं राग देश से रंग जाते हैं उससे होने वाले परिणाम को हम लेशा कहते हैं मन वचन काय की कसायों से जो संबंध बन जाते हैं उसकी जो हमारी अभिव्यक्ति होती है सर मनोवचन काय के माध्यम से उसे अपन लेष्या कहते हैं तो ये छः लेश्या होती हैं छः में पीत है जिसके अंत में अर्थात जो आदित आदित त्रिशु आदि के जो तीन निकाय हैं उनमें कितनी लेष्याएँ होती हैं चार लेष्याएँ होती हैं कृष्ण नील कापोत और पीत ये चार प्रकार की जो लेष्याएँ हैं वो इन देवों को यहाँ की देव और देवियों को ये लेष्याएँ पाई जाती हैं नमोस्तो आचार्य क्या इन देवों के पर्याप्त अवस्था में भी ये चारों लेष्याएँ पाई जाती हैं भवनवासी बैंतर और ज्योतिष इन तीन देवों में ये जो लेष्याएँ जो बताई हैं अभी चार यहाँ पर इसमें से पर्याप्त अवस्था में तो मात्र पीत लेशिया ही होती है अपर्याप्त अवस्था में ये तीन अशुभ लेष्याएँ होती हैं कृष्ण नील और कापोत पर्याप्त अपर्याप्त आप जानते हैं जब तक जीव की आहार शरीर इंद्रिय, स्वच्छवास भाषा और मन ये छह पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है और ये छह पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं तो वह पर्याप्तक हो जाता है इन तीनों प्रकार के देवों की जो पर्याप्त अवस्था में मात्र एक पीत ही होती है और बाकी अपर्याप्त काल में इनकी जो है अशुभ तीन लेस्याएँ पाई जाती हैं इस सूत्र से हमें एक बात और समझना है आदितः जो ये शब्द आया हुआ है आदितः त्रिशु इससे ये अर्थ निकलता है कि इन तीन निकाय में ही ये व्यवस्था लगाना यह व्यवस्था वैमानिक देवों की नहीं है इस सूत्र में वैमानिक देवों का निषेध है इसका मतलब है वैमानिक देव में अशुभ लेसियाएँ नहीं होती हैं कृष्ण नील कापोत अशुभ लेष्याएँ नहीं होती हैं वहाँ पर शुभ लेस्याएँ ही होती हैं तो वहाँ पर पीत पद्म शुक्ल आदि जो लेस्याएँ हैं वही लेस्याओं का कर्म लगाना कौन से स्वर्ग में कौन सी लेस्याँ हैं इसका आगे आचार्य भगवान स्वयं सूत्र के माध्यम से बताएंगे और इसमें अपन को एक व्यवस्था और लगाना कि जो ये सूत्र है वो अपने आप में ही आगे के सूत्र के बारे में बता रहा है कि हम वैमानिक देव में कौन सी लेसाओं का वर्णन करेंगे उसके लिए आगे बताएंगे इस प्रकार से इस सूत्र में अपन ने चार प्रकार के देवों में तीन प्रकार के देव को कौन सी लेसा होती है उसके बारे में अपन ने जाना सूत्र में कहीं भी निकाय शब्द और देव शब्द नहीं है तो ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आपने कैसे निकाय शब्द लगाया और देव शब्द लगाया तो जैसे सूत्र अनुवृत्ति लिए हुए होते हैं अपन ने पहला ही सूत्र पढ़ा था देवाश निकाय वहाँ पर ही देवा शब्द आ गया था और निकाय शब्द आ गया था अब उसकी जो अनुवृत्ति है वो आगे सूत्रों में चल रही है तो इसलिए निकाय शब्द और देव शब्द वहाँ से ही लगा लेंगे कि तीन प्रकार के निकाय जो देव हैं वहाँ पर उनकी पीत है जिसकी अंत में लेषा उसे पी उस लेषा को यहाँ पर ग्रहण करना तो इस प्रकार से निकाय और देव जो शब्द यहाँ सूत्र में ना होते हुए भी पीछे के सूत्रों से इसको अपन ग्रहण इसमें सूत्र में कर लेंगे चार प्रकार के जो अपन ने देव पढ़े अब देवों के भी भेद में प्रभेद करते हैं चार प्रकार के देव हो गए अब उनके अंदर भी और भी प्रकार के देव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उनके लिए आचार्य भवन सूत्र नंबर तीसरा बता रहे हैं हम लोग सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं एक बार हम बोलेंगे पुनः सभी आप लोग दशाष्ट पंच द्वादश द्वाद विकल्प कल्पोपन्न पर्यंत दशाष्ट पंच, पंच द्वादश कल्पोपपन्ने कल्पोपपन्ने पर्यंत इस प्रकार सूत्र का उच्चारण हुआ इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर तीसरा दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोप पातक लीजिए कल्पोप पन्न पर्यत पर दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यनता इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है अब देखिए यहाँ पर दस अष्ट संधि निकलेगी दस प्लस अष्ट प्लस पंच प्लस द्वादश कितनी संख्या हो गई चार हो गई ना दस का मतलब दस टेन अष्ट का मतलब आठ एट पंच का मतलब पाँच फाइव द्वादश का मतलब बारह ट्वेल्व इस प्रकार से दस आठ पाँच बारह विकल्प विकल्प मतलब होता है भेद विकल्प जब आप लोग पेपर में पढ़ते हैं ना कि इस प्रश्न के चार विकल्प हैं इसमें से आप एक में राइट कीजिए तो विकल्प मतलब क्या है उसका भेद तो अपन ने चार प्रकार के देव पढ़े थे ठीक है ना कौन कौन से भवनवासी बैंतर ज्योतिष और वैमानिक तो यहां वैमानिक के लिए एक नया शब्द आ गया कल्पोपन्न कल्पोपन्न बोलो या वैमानिक बोलो तो वो बात एक ही है तो कल्पोपन्न पर्यंत कहाँ तक लगाना है ये संख्या कल्पोपन्न पर्यंत तक लगाना है मतलब जहाँ तक कल्प दे पाए जाते हैं वहाँ तक इनकी संख्या लगाना है देखिए कल्पोपन्न जो है वैमानिक का ही एक भेद है वैमानिक देव जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक कल्पोपन्न और एक कल्पातीत कितने प्रकार के कल्पोपन और कल्पा तीत जो सोलह स्वर्ग हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं जो कल्प में उत्पन्न हो स्वर्ग में उत्पन्न हो उसे अपन कहेंगे कल्पोपन्न जो कल्पातीत हैं कल्पातीत जो नौ ग्रेवक नव अन्द सिद्धि आदि पांच विमान वो कहलाएंगे कल्पातीत हैं दोनों वैमानिक दोनों ही विमान में रहने वाले हैं पर दोनों के अपन ने विभाग कर दिए तो ये क्या रहे हैं कल्पातीत तक मत जाना कल्पोपन्न पर्यंत कहाँ तक जाना है कल्पोपन्न तक ही लगाना मतलब वैमानिक देव में भी सभी वैमान के भेद मत मान लेना बारह क्या लगाना है उसमें भी कल्पोपन्न सोलह स्वर्ग तक ही बात समझना तो देखिए जो दस है ये भवनवासी का भेद हो गया दस भवनवासी कितने प्रकार के दस प्रकार के दस विकल्प दस प्रकार का और ये जो व्यंतर हैं वो कितने अष्ट विकल्प आठ प्रकार के और जो जोशी हैं वो कितने पंच विकल्प पांच प्रकार के और वैमानिक में कल्पोपन्न तक सोलह स्वर तक कितने भेद हैं देवों के द्वादश विकल्प है बारह प्रकार के इस प्रकार से इस सूत्र में अपन ने जो भवनवासी के दस बैंतर के आठ ज्योतिष के पांच और वैमानिक में जो दो भेद हैं उसमें से जो पहला भेद है कल्पोपन उसमें बारह प्रकार के देव होते हैं यह है इस सूत्र का अर्थ हुआ प्रश्न खड़ा हो सकता है सूत्र में कल्पोपन पर्यंत यह क्यों बोला गया है तो कल्पोपन पर्यंत यह नह ग्रेवक आदि जो वैमानिक देव हैं उनका निषेध करने के लिए यहाँ पर बोला गया है कल्पोपन पर्यंत जो सूत्र में दिया है ये तो विधि आत्मक हो गया कि यहाँ तक ही लगाना और निषेधात्मक क्या हो गया कि भैया इसको सर्व सिद्धि में मत लगा लेना इसको अनुदिष विमानों में मत लगाना और ना ही नौ प्रकार के जो नौ ग्रेवक ग्रेवक तक जो विमान हैं उनमें भी नहीं लगाना ये जो भेद हैं मात्र सिर्फ है कल्पोपन तक ही लगाना अर्थात सोलह स्वर्ग तक ही लगाना तो सोलह स्वर्गों में बारह प्रकार के देव लगाना भवनवासी में दस प्रकार के लगाना बेंतर में आठ प्रकार के और ज्योतिष में 5 प्रकार के इस प्रकार से इस सूत्र में देवों के भी प्रभेद यहाँ पर आचार्य वर्ण ने बताए अब इनके बारे में और क्या विशेषताएं है हैं कल अपन देखेंगे आज यहीं पर क्लास का समापन करते हैं अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं जावाणी के ज्ञान से सुजें लोकालोक सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हो दो हे जिनवाणी भारती तोज पोदें रे जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख ते सभी को बहुत-बहुत मंगल आशीर्वाद सभी को सादर जय जिनेंद्र हमारे पास तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है और जो भी जो भी महानुभाव इस तत्व और सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं जो भी पुण्यर्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें धन्यवाद जय जिनेन्द